दोस्तों अब हम देखेंगे श्री गिरनार तीर्थ के नीचे यानी कि उसकी मूल भाग तक यानी कि तलेटी के आजू बाजू में जो रास्ता है मेन सिटी तक जाता है उसके आजू बाजू क्या है और क्या क्या मिलता है और शॉपिंग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो कि आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, बादाम है, काजू है और ये क्या क्या इसका क्या नाम है, गुड़ है, हींग है, फिर ये जायफल है, ये तज, लविंग, मरी और इसको क्या कहते हैं, बाथिया फूल, मसाले है, तज लविंग है, गोंद है, गुंदर है, फिर आगे अखरोट है वगैरह आप खरीद सकते हो। तो अगर आप गिरनार आए तो वोकल फॉर लोकल करने के लिए ये बहन जी से अवश्य खरीदी करें। यहाँ भी इसी प्रकार की चीज़ें मिलती है, मसाले, उनके बाजू में भी एक जगह है जहाँ पे ये मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है। आप सामने देखते हैं तो सामने कांताबा संकुल जैन धर्मशाला है जहाँ पे हम रुके हैं। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, अम्बे मात की जय। और आगे यहाँ पे देख सकते हो चश्मा, बैग्स, खिलौने वगैरह मिल जाएंगे आपको गिरनार के लोकल मार्केट में। तो मेरी आपसे दर्शकों से नम्र विनती है, अगर गिरनार आते हो तो यहाँ से ख़रीदी अवश्य करें क्योंकि वोकल फॉर लोकल, लोकल बिजनेस को आगे ज़रूर से बढ़ाना है। यहाँ खिलौने भी मिलते हैं, हम मॉलों से, शहरों से, यहाँ अमेज़ोन से बहुत खिलौने खरीदते होंगे, लेकिन अगर गिरनार जी आते हो तो यहाँ से खरीदी अवश्य करें अपने बच्चों वगैरह के लिए ताकि वोकल फॉर लोकल को हम बढ़ावा दे सकें, प्रमोशन दे पाएँ। यहाँ पे पूजा सामग्री के और कड़े वगैरह भी मिलते हैं जो आप देख सकते हो, मालाएं हैं, फिर ये राखी वगैरह है, ओम लिखी हुई राखी है, अलग अलग प्रकार की कीचेन्स है। तो गिरनार जी आए तो यहाँ से खरीदी अवश्य करें। दीपक है, त्रिशूल है, फिर यहाँ पे भी लेडीज़ आइटम्स है, साजन श्रृंगार की जो आप खरीद, यहाँ पे घड़ी मिलेगी, फिर अगर आप ऊपर पर्वतारोहण कर रहे हो तो टोपी भी मिल जाएगी नाइक के सिंबल वाली, फिर अलग अलग प्रकार की घड़ी है, फिर यहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हो। यहाँ पे भी सनातन हिंदू धर्मशाला है जहाँ पे आप रुक सकते हो। करीबन यहाँ पे जितनी भी धर्मशाला है उसका 500 से 700 रुपया रूम का किराया है। यहाँ पे आप देख सकते हो घड़ी वगैरह खरीद सकते हो। जय गिरनार, जय गिरनार। और यहाँ पे आप चश्मा भी मिलता है, चूड़ी वगैरह भी मिलती है, फ्रूट्स वगैरह, अगर और बहुत बढ़िया सा नारियल पानी भी पी सकते हो। अगर आप वाटरमेलन लेते हो तो उसमें इंजेक्शन लगा के डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन एक नारियल ऐसी चीज़ है कोई भी उसमें इंजेक्शन नहीं लगा सकता क्योंकि ये धरती का अमृत है। तो गिरनार आए तो इस भाई साहब से नारियल अवश्य पिए, धरती का अमृत नारियल पानी और नारियल की मलाई। किसी भी फ्रूट्स में इंजेक्शन डाल के उसमें मीठा किया जा सकता है सैकरीन डाल के, लेकिन कोकोनट को यानी नारियल को कभी भी डुप्लीकेट माल से मीठा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको धरती का प्योर अमृत कहा जाता है। जी यहाँ पे मोजा वगैरह भी मिलता है जो आप खरीद सकते हो, सोडा पी सकते हो। तो ये है गिरनार का लोकल मार्केट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मसाला वगैरह मिल रहे हैं, मसाला वगैरह मिल सकता है, काजू, बादाम, जायफल, अखरोट, बरियाली, हींग, प्योर हींग मिलेगी। हाँ हींग इधर, हाँ हींग है, फिर ये क्या है, बागियन फूल है, लौंग है, ये क्या है, काला मरी, काली मिर्च, फिर ये तज है, फिर ये कोकम है, गरम मसाला है। तो आप यहाँ से आए तो अवश्य खरीदे। आप जियो मार्ट से या डी मार्ट से तो हमेशा ही लेते आए हो,
और उनको बहुत मुनाफा कराते आए हो, तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है आज वोकल फॉर लोकल भी अवश्य करें। यहाँ के जो बहन जी बैठे हैं, माँ जी बैठे हैं, उनको थोड़ा ग्राहकी जरूर से कराए। यहाँ गोंद वगैरह भी मिलता है, तो वोकल फॉर लोकल अवश्य करे जी। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें मिलती है। बहन जी बताइए क्या क्या मिलता है आपके वहाँ? चूड़िया है, मालाएं हैं, झूमर है, तोरण है, यहाँ श्री गणेश है नमः लिखे हुआ तोरण भी है, यहाँ बैग्स वगैरह है, छोटे बच्चों का बैग्स है, बड़े बच्चों का बैग है, पाकिट है, पर्स है, और यहाँ पे सोडा भी पी सकते हो। तो गिरनार आए तो वोकल फॉर लोकल अवश्य करें, और ये लोकल मार्केट से खरीदी अवश्य करें। बहुत ही अच्छी चीज़ें और धार्मिक चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लंबे हनुमान जी का मंदिर है, चप्पल उतार के बोलेंगे जय हनुमान जी। यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने मिलते हैं, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह से बहुत ही खिलौने खरीदते होंगे, लेकिन मेरी आपसे नम्र गुजारिश है अगर आप गिरनार जी आते हो और तलेटी से जाते हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ अवश्य खरीदे, क्योंकि वोकल फॉर लोकल ये हमारा आज का नारा है और इस देश की अभी ज़रूरत है। जय गिरनार। आगे भी देखते हैं, आगे भी चूड़ी वगैरह का मार्केट है। यहाँ पे लंबे हनुमान जी का मंदिर है, हो सके तो एक आध से मिनट में आपको दर्शन भी करा देता हूँ। जी हम आ चुके हैं लंबे हनुमान जी, ये राम दरबार है। ये हनुमान जी है, ये दत्तात्रेय का दरबार है, ये दत्तात्रेय जी का दरबार है, काफी मनमोहक मूर्ति है। मूर्तियाँ स्थापित की गई हुई है जिसका हम दर्शन करेंगे। गुरुवर श्रीमंत उत्तम दास जी महाराज जी, गुरु श्री गदाधर दास जी, फिर साकेतवासी श्री महंत राम दुला रे दास जी महाराज जी, गुरु श्री उत्तम दास जी, श्रीमंत श्री महंत गंगा दास जी महाराज जी, गुरु श्री राम दुला रे दास जी, तीनों के आगे साकेतवासी लगता है। आप यहाँ पे उनके दर्शन और नमन कर सकते हो और गुरुचरण में आशीष प्राप्त कर सकते हो। गंगाधर महाराज, राम दुलारे दास जी और उत्तम दास जी महाराज के आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये भी संत श्री है, उनसे भी नमन करेंगे। अब मार्केट में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे चूड़ी की दुकान पे आ चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ मिलेगी। अब चूड़ी में मुझे इतना डीप में समझ में नहीं आता, लेकिन ये भाई थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे किस प्रकार की चूड़ियाँ मिलती है। भैया कई कई बंगड़ियों मड़े से अलग बात। ओके, अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ मिल रही है जिसे गुजराती में बंगड़ी कहते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग भक्ति का और श्रृंगार का सामान मिल जाएगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएगी। तो मैं बार बार कहना चाहूँगा अगर गिरनार जी आए तो यहाँ के लोकल मार्केट से खरीदी अवश्य करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल। यहाँ पे आपको किचन मिल जाएंगे, किचन पे आप अपना नाम लिखवा सकते हो। अलग अलग प्रकार के ये पियानो का किचन है, फिर तलवार का है, इस प्रकार से हर एक पे आप नाम लिखवा सकते हो। लव यू वगैरह भी, स्माइली भी है, मस्त किचन है। आप किचन आए तो यहाँ से नाम लिखवाए और जरूर से जाए। भैया सैंपल बताइए ना नाम वाला। जी हाँ, ये सैंपल है जहाँ पे लिखा हुआ है अनिल संगीता, फिर ये बंदूक पे लिखा है ठाकुर किंग,
फिर यहाँ पे राधे राधे भी इस तरह से लिखवा सकते हो आप। आयुषी स्माइली के साथ महादेव आप पियानो पे लिखवा सकते हो, पीछे लिखा हुआ है राधे। नो लव डिकू, इस तरह से आप कला कारीगरी का भी बेनमून नज़ारा देख सकते हो। फिर एक बार और हम आ गए यहाँ पे मसाले की दुकान पे, अलग प्रकार के विविध प्रकार के मसाले, अखरोट, जायफल, फिर हींग, सूखी द्राक्ष वगैरह आपको मिल जाएगी। अंगूर, सूखे अंगूर, काले और हरे दोनों सूखे हैं। ये क्या है बहन जी? हींग है, ये भी एक प्रकार की हींग है। अब और ये भी हींग है, और ये गरम मसाला है। तो गिरनार जी आए तो ये बहन जी से अवश्य खरीदी करें। यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन मिल जाएंगे। श्री राम मंदिर है, श्री रामानंद आचार्य का जी का ये राम मंदिर है। फिर यहाँ पे आपको 11 मुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर मिल जाएगा। ग्यारह मुखी हनुमान जी का दर्शन भी कर लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। इस दो पंक्ति का उच्चारण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ महाराज जी का भी दर्शन करते हैं, इनकी प्रतिमा जी का, इनकी प्रतिमा है जो सामने मैंने बताया वो चिपिया वाले बाबू की जगह है। फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे मार्केट में। यहाँ पे भी आपको चश्मा, टोपी वगैरह की दुकान मिल जाएगी। मास्क अगर किसी ने नहीं खरीदा है तो ज़रूर से खरीद लिए, क्योंकि ये कोरोना में कहते हैं ना, दो गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। और गिरनार जी आए तो यहाँ से आप चश्मे वगैरह अवश्य खरीदें, बहुत ही बेहतरीन चश्मे वगैरह आपको मिल जाएगा। तेनु काला चश्मा जचता ए तोरे मुखड़े पे, इस प्रकार का बेहतरीन रंग बिरंगी चश्मा आपको मिल जाएगा। कैसे हो भाई साहब? इस प्रकार से आप घड़ी भी खरीद सकते हो, हेडफोन भी खरीद सकते हो, टोपी भी खरीद सकते हो अगर आप यात्रा कर रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, गिरनार जी आए तो लोकल मार्केट से खरीदी अवश्य करें, क्योंकि हम पूरे साल फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदी करते हैं, मॉलों से खरीदी करते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा आप वोकल फॉर लोकल अवश्य अपनाइए। जय गिरनार। यहाँ पे अगर आप पर्वत चढ़ना चाहो तो जूते, स्लीपर, चप्पल भी मिल जाएंगे। तो अगर गिरनार जी आए तो लोकल मार्केट से खरीदी अवश्य करें, वोकल फॉर लोकल। यहाँ पे आपको पूजा पा यानी कि पूजा भक्ति का सामान मिल जाएगा, डमरू मिल जाएगा, ये भी बहुत ही बेहतरीन दुकान से है, देख सकते हो आप भाई साहब। शंख मिल जाएंगे, ये भैया नर कंगाल है, वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? मैं दुकान वाला नहीं हूँ, ओरिजिनल नल कंगाल इंसान का है। बराबर। और क्या क्या चीजें बताओ ना दादा, और क्या क्या चीजें बेच दो भक्ति के लिए? त्रिशूल मिल जाएगा, नर कंकाल मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको रुद्राक्ष वगैरह की माला मिल जाएगी, फिर ऐसी इस प्रकार की भी माला मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा है,
तो अगर आप गिरनार जी आए तो यहाँ पे गिरनारी पूजा भंडार है, यानी कि वो लोकल दुकान है, तो उससे खरीदी अवश्य करें। हम पूरे साल फ्लिपकार्ट से खरीदते ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन वोकल फॉर लोकल अवश्य करें। हर दुकान पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि वोकल फॉर लोकल, लोकल बिजनेसमैन को आगे ज़रूर से बढ़ाएं। ये भी खिलौने वाले भैया है, इनसे भी खरीदी करें। अगर आपके पास बच्चे वगैरह लेकर आए हो, नहीं आए हो तो रिश्तेदार के लिए खरीद सकते हो, रिश्तेदार के बच्चे के लिए। यहाँ निरंजनी अखाड़ा मिल जाएगा, धर्मशाला भी है। यहाँ पे भी इस तरह माला वगैरह मिलती है, यहाँ पर्स मिलते हैं, बैग्स मिलती है और लेडीज पर्स भी मिलते हैं। तो अगर गिरनार जी आए तो वोकल फॉर लोकल करने के लिए यहाँ से खरीदी अवश्य करें। जय गिरनार। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ मिलेगी आपको, और चूड़ियाँ आप ले सकते हो अपने स्नेही जन के लिए। और यहाँ बहुत सारी जगह पे पेटीएम भी स्वीकार करा जाता है, UPI पेमेंट अलाउड एक्सेप्टेड। ये पूरा मार्केट है, तलेटी के बाजू में ही है, नीचे उतरते ही खिलौने हैं, बहुत प्रकार के खिलौने आप खरीद सकते हो। एक घड़ी है, टोपी है, बेल्ट है, तो उसकी खरीदी अवश्य करें। पीछे आपको गिरनार पर्वत देखने को मिलेगा। जय गिरनार। यहाँ पे भी चूड़िया की दुकान है, चूड़ी अलग अलग प्रकार की है। जिसकी आप खरीदी कर सकते हो। भैया चूड़ियों के बारे में थोड़ा बहुत बताओ ना, किस किस प्रकार की मिलती है? जयपुर की चूड़िया, फिर अम्बाजी की चूड़िया, जूनागढ़ की चूड़िया, दिल्ली की चूड़िया भी यहाँ मिल जाएगी। हर एक प्रकार की चूड़िया मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन ये भाई साहब की दुकान है। तो अगर आप गिरनार जी आए तो यहाँ से लोकल मार्केट से खरीदी अवश्य करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल आज का नारा है। यहाँ ठंडी का सामान भी मिल जाएगा, टोपी मोजे वगैरह। एक खिलौना भी मिल जाएगा आपको, खिलौने का छकड़ा। खिलौने का JCB। फिर यहाँ पे इस तरह से आप नाम वगैरह भी लिखवा सकते हो, ये बहुत ही बेहतरीन है। बेस्ट फ्रेंड्स राज विद संध्या, हैप्पी बर्थडे। मैंने एक जगह गाड़ी के पीछे बोर्ड लगा, वो पोस्टर लगाते हैं ना शादी में, नरेंद्र विद सोनिया, सारे दंगा फसाद, सारी प्रॉब्लम की जड़ी खत्म हो जाएगी, ऐसा लिखा था। फिर जोक था इधर ट्विटर वगैरह पे। सारी समस्या का जो मूल है वो शादी कर लेंगे तो दूर हो जाए। यहाँ सिर्फ 100 रुपये की साड़ी भी मिलती है आपको, 100 रुपये की साड़ी का शोरूम है। तो अगर गिरनार जी आते हो तो यहाँ से साड़ी वगैरह अवश्य खरीदें। अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ है, कोई भी साड़ी भैया 100 रुपये है।
ये वाली 100, ये वाली 200 की है, ये 200 की है। यहाँ जो नीचे पड़ी है पूरी साड़ी का 200 रुपया दाम है, और ऊपर जो लटकाई हुई है उसका 200 रुपया भाव है। एक से एक विशिष्ट साड़ी मिल जाएगी आपको। तो गिरनार जी आए तो ये शोरूम जैसा बनाया हुआ है मंडप में, उनसे खरीदी अवश्य करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल, लोकल मार्केट से अवश्य खरीदी करें। हम फैशन के लिए नायका वगैरह से ऑनलाइन खरीदी भी बहुत करते हैं, स्नैपडील, नायका, फ्लिपकार्ट पे हमेशा ही खरीदी करते रहते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडरों को देख देख के। लेकिन ये लोकल मार्केट से आज खरीदी आप अवश्य करें। अगर आप गिरना जी वगैरह कहीं पे भी जाते हो या आप अपने शहर में भी रह रहे हो तो लोकल छोटे मोटे दुकानदारों से, जो लोकल व्यापारी, उनसे खरीदी अवश्य करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल इस ज़माने में ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे आपको मोजड़ी वगैरह मिल जाएगी, काफ़ी बेहतरीन मोजड़ी है। फिर ये एक दुकान है नरसी कुटीर, वहाँ से भी आपको इस तरह से चीज़ें मिल जाती है, अत्तर, धूप, कौन, कपूर, कुमकुम वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। भस्म, अगरबत्ती, अष्टगंध, करताल, रूम फ्रेशनर, तुलसी और धूपबत्ती, चंदन पाउडर, अंदर भी आप जाके दुकान में देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या है, शरबत है भैया? प्लांट है, ओके, शरबत नहीं है, प्लांट है। और ये ओके, शो पीस का प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है भैया? संजीवनी। और ये दोनों संजीवनी है, संजीवनी वनस्पति का प्लांट जो गिरनार पर्वत पे होता है। ओके, तो कहाँ होता है? शो पीस प्लांट है, चाहे कहीं भी हो सकता है ये। अब हम यहाँ आ गए श्री गुरु गोरक्षनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी का दलिया अखाड़ा, दलीचा अखाड़ा, श्रीनाथ जी का दलीचा अखाड़ा। इस तरह से बहुत सारे अखाड़ा वगैरह मिलेंगे आपको, लेकिन अभी हम ये जो वीडियो में चर्चा कर रहे हैं लोकल मार्केट्स की कर रहे हैं, तो वोकल फॉर लोकल अवश्य करें।